नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो के गेम कंट्रोलर के बारे में और स्पेशली दोस्तों एक नया लुक और इसका प्राइस रियली दोस्तों 167 ओनली। यार इतना सस्ता कैसे मिल सकता है, इतना एक्सपेंसिव। और इसकी आप स्पेसिफिकेशन देखते हो तो रियली दोस्तों एक सोनी का या मैं एक्सबॉक्स सीरीज का कहूँ, आप कोई सा भी लेते हो रियली दोस्तों बिल्कुल सेम। जैसे कि दोस्तों बात करूँ, सबसे ज़्यादा और सबसे सुटेबल जो है वो जियो STV के लिए है। जैसे कि दोस्तों एक मैं वीडियो प्रेफेयर करूँगा, इसके बाद वहाँ पे वो चलेगी भी, आप लास्ट में भी देख सकते हैं इस वीडियो के, वैसे वो ये वीडियो है। तो यहाँ पे जो मैं लिख के दे रहा हूँ वो लिख के दे रहा हूँ कि यार आप इसमें कैसे वायरलेस बड्स कनेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों आप इस वीडियो को देखेंगे तुरंत ही रिलेट कर पाएंगे जियो गेम कंट्रोलर को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों बात करें जैसे कि एक्सटर्नल एक तरीके से रिमोट जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि इसमें दोस्तों एक तो ये पूरी तरीके से वायरलेस है, एक चार्जर मिलेगा अडेप्टर जो कि आप डायरेक्टली रखते हैं तो वो चार्ज कर लेगा, उसके बाद इसमें ब्लूटूथ दी गई है, इनबिल्ट बैटरी है और 10 मीटर तक, डैट मीन्स ये है कि आपका कंसोल या STV 10 मीटर तक रखा है, जो नॉर्मली दोस्तों ब्लूटूथ की रेंज होती है वहाँ आराम से यूज़फुल है। बात करें दोस्तों किन किन डिवाइसों पर कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हम फ़ोन पर बात करें, आप फ़ोन पर खेल रहे हैं तो वहाँ पे वाया ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप पे कनेक्ट हो सकता है, कंसोल्ड पे कनेक्ट हो सकता है, टैबलेट पे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन TV पे भी कनेक्ट होगा एंड्रॉयड वाले पे जिस पे ब्लूटूथ सपोर्ट हो। बात करें दोस्तों इसकी बैटरी कितनी देर तक रुक जाती है, तो दोस्तों 8 घंटे तक इसका बैटरी बैकअप स्टेबल रह सकता है, जो कि आपको और भी चीज़ें साथ में मिलती हैं। बात करो दोस्तों इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जियो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता है, प्राइस एक्सपेंसिव लेके आता है लेकिन लोगों को रियली लगता है कि इससे सस्ता कहीं मिल सकता है। तो इसका जो प्राइस है एक्चुअली बताऊँ तो दोस्तों अराउंड 3500 है, 3499, जो कि दोस्तों अनदर मैं सोनी की बात करूँ या एक्सबॉक्स सीरीज़ की बात करूँ 3000 से लेकर 5000 तक की सीरीज़ के वो भी मिल जाते हैं गेमिंग कंसोल्ट। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है क्या है कि वहाँ पे आपको शायद इतने अच्छे ऑफर ना मिल पाए जो कि आपको इस पर मिल जाते हैं। ये मुझे लगता है कि स्पेशली जियो ही ऐसा सोचता है, क्योंकि आप तब आप क्रेडिट कार्ड या EMI पे लेते हैं तो दोस्तों आपको 167 रुपीज़ पर मंथ देने होते हैं 2 साल तक, जो कि दोस्तों एक तरीके से निगलिजिबल अमाउंट है। आप खरीद लेते हैं और कोई इतनी बड़ी इतनी लंबी EMI नहीं चलाता इस छोटे अमाउंट के लिए, फिर वो कहता है यार क्या मैं मंथली परेशान हो रहा हूँ, वो 1-2 महीने के बाद पूरी पेमेंट करके ख़त्म कर देता है। यहाँ बैंक भी प्रॉफिट कमा लेती हैं और ये भी, लेकिन दोस्तों ये तब अच्छा होता मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है तो फिर वो अमेजोन से भी ले सकता है, फ्लिपकार्ट से भी और सोनी के ही ले सकता है। और यहाँ पे तब आप 2 साल की EMI बांधते हैं तो आप 5000 का भी लेते हो तो 220 रुपये बनती है, तो इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तब आप प्राइस को इतना मतलब श्रिंक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस तरीके की चीज़ें नहीं लेके आना चाहिए। तो इसका एक्चुअली प्राइस 3500 रुपये है अराउंड, और आप EMI पे लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो 24 महीने की जो EMI है मतलब 2 साल की, वो आपकी 170 रुपये के लमसम बैठती है। बात करें दोस्तों इसमें क्या फंक्शनैलिटी मिलती है, जैसे कि 2 तो जॉयस्टिक मिल जाती है यूज़ करने के लिए जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर आपको मैनुअली बटन भी मिल जाते हैं कि जो नॉर्मली डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा लगा बैटरी इंडिकेटर, रियली दोस्तों जो इसमें दिया गया है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि एकदम आप हाथ में ले तो पता तो चले कि रिमोट कितना चार्ज है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों इसमें आपको जो टोटल बटन है, जो साइड के बटन हैं, ऊपर के ट्रिगर बटन है, नीचे भी 3 बटन दे रखे हैं, तो टोटल मिला के मैं बात करूँ तो दोस्तों 11 बटन मिल जाते हैं आपको। सबसे एक यूनिक चीज़, क्योंकि जियो का है तो जियो का लोगो एक अलग तरीके से लुक में दिया है, तो यहाँ पे एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी की है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ यह है कि तब भी ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो इंडिकेटर लाइट भी आपकी जलती है, तब कनेक्ट नहीं रखा है तो वो अलग तरीके से ब्लिंक करती है, तब कनेक्ट हो जाता है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। दोस्तों ये कुछ इसमें फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन अब आप खरीद कहां से पाएंगे कि ये भी वो है। तो दोस्तों जियो की वेबसाइट पे जाते हैं, तब आप एसेसरीज वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो वहां पे सबसे नीचे एसेसरीज में आपको ये रिमोट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आप मोबाइल में गेम खेल लेते हैं या पबजी खेलते हैं या कोई सा भी गेम खेलते हैं, डजंट मैटर, तो आप उस पर भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट पर यूज कर सकते हैं, एंड्रॉइड TV पर यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप रियली कि गेम से रिलेटेड कोई भी गैजेट चलाते हैं तो वहां पर आप मतलब गेम कंट्रोलर को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइस तो ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन यह है कि
तब 3500 रुपये खर्च करता है तो इंसान सोचता है कि कुछ और बेटर ले लूँ। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बता रहा हूँ मैं कि यार कि सोनी से बेहतर ही है, तो ये शायद सोनी का लेग कम हो लेकिन इसमें लिटरेंसी कम है तो कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।